वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में वेक्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वेक्टर के कुछ पार्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसके लिए हम पहले डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट के बारे में हम पहले वीडियोस बना चुके हैं। और अब जो नेक्स्ट चैप्टर, इसमें जो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पोर्शन जो हमारा स्टार्ट होता है वो आता है लाइन इंटीग्रल, या फिर हम कहें कि वर्क डन बाय फोर्स। लाइन इंटीग्रल या फिर वर्क डन बाय फोर्स क्या चीज़ है? लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल का मतलब जब एक पार्टिकल किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जब वो मूव करता है और उसका जो इंटीग्रेशन, जब हम उस पाथ का इंटीग्रेशन हम फाइंड आउट करते हैं तो वो होता है लाइन इंटीग्रल। एक पार्टिकल किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर जब मूव करता है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो ये पार्टिकल जब ए से बी तक मूव करेगा और इस लाइन का, इस पाथ का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तब हम कहेंगे कि लाइन इंटीग्रल है। या वर्क डन बाय फोर्स का मतलब ये होगा कि कोई पार्टिकल ए पॉइंट पर किसी फोर्स के अंडर में, यहाँ ए पॉइंट पर कोई पार्टिकल है, जब इसको कोई फोर्स किया जाए, फोर्स दिया जाए और उस फोर्स के इफेक्ट से वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मूवमेंट करता है, तब जो टोटल उस मूवमेंट के थ्रू जो उसका वर्क किया गया है किसके अंडर में, फोर्स के अंडर में, तो उसको बोला जाता है कि वर्क डन बाय अ फोर्स। यानी कोई फोर्स अगर हम यहाँ अप्लाई कर दें इस पॉइंट पर एफ, एक डायरेक्शन में एफ वेक्टर, जो कि किसी ए पॉइंट से चलकर वो पार्टिकल उस फोर्स की वजह से यहाँ बी पॉइंट तक पहुँच जाते हैं, तो जो इसका पाथ है या जो इसका मूवमेंट है, जो इसका वर्क है, जो फोर्स के अंडर में किया उसने, तो वो कहलाएगा वर्क डन बाय एफ फोर्स। अब बात करते हैं इसके फार्मूले की, कि फार्मूला क्या होगा। जब भी हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तब हमें क्या करना है, सिंपल फार्मूला हमारे पास रहता है एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और पाथ की इक्वेशन यानी पाथ का जो डायरेक्शन है, कहाँ से कहाँ तक मूवमेंट किया उसने, तो इंटीग्रेशन हमें करना है क्योंकि लाइन इंटीग्रल इंटीग्रेशन का ही पार्ट है, सारा हमारा पोर्शन इंटीग्रेशन का। तो उसका ए से बी तक जो भी पाथ है, जो भी पाथ रहेगा, जो भी क्वेश्चन में पाथ होगा, उसके बिटवीन उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो सिंपल सा फार्मूला है एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर और इंटीग्रेशन बिटवीन ए टू बी। अब यहाँ या तो लिमिट्स आपको गिवन होगी क्वेश्चन में या फिर लिमिट्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो मेन काम हमारा इस चैप्टर में यही रहेगा कि लिमिट्स को फाइंड आउट करना। एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर में से एफ वेक्टर क्वेश्चन में गिवन होगा आपको। एफ वेक्टर क्या है? एक वेक्टर फील्ड है जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा। डी आर वेक्टर हमारे पास क्या होगा? डी आर वेक्टर क्या होगा? अगर हमारे पास आर वेक्टर है, आर वेक्टर क्या हमारे पास? एक्स आई वाई जे जेड के, तो डी आर वेक्टर क्या हो जाएगा? क्या किया इसका? डिफ्रेंशिएशन किया, तो डी आर वेक्टर भी होगा डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के, तो ये वैल्यू आएगी डी आर वेक्टर की। तो ये दोनों वैल्यूज का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे और उसको एक इंटीग्रेशन में शो करेंगे और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन हम करेंगे। अगर लिमिट्स गिवन होगी तो बिटवीन दिस लिमिट्स, उस लिमिट्स के बीच में हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अगर लिमिट्स गिवन नहीं है तब हमें लिमिट्स को पहले फाइंड आउट करना होगा और उसके बाद हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ वेक्टर इक्वल्स टू थ्री एक्स वाई आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप, देन इवेल्युएट एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर वेयर सी, यहाँ पे मैंने सी शो किया इंटीग्रेशन में, तो सी का मतलब है कर्व, यानी कि वो एफ वेक्टर जो मूव कर रहे हैं एक वर्क डन यानी एक वर्क, एक फोर्स के इफेक्ट से जो वर्क कर रहे हैं और जिस कर्व के थ्री वो वर्क कर, यानी जो कर्व हमारे पास बन रहे हैं वो क्या होगा, वेयर सी इज द कर्व इन द एक्स वाई प्लेन, वो जो कर्व है वो एक्स वाई प्लेन में है और कर्व की जो कर्व बन रहा है वो क्या बन रहा है, वाई इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर, यानी कि पैराबोला, यानी कर्व कुछ फोर्स के इफेक्ट्स में एक पैराबोला की तरह वो वर्क कर रहा है, यानी उसका जो पाथ है वो एक पैराबोला है फ्रॉम 0 0 टू 1 2, यानी यहाँ हमें लिमिट्स उस कर्व के लिए गिवन है, यहाँ हमें लिमिट्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हमें लिमिट्स दे दी कि एक पाथ से दूसरे पाथ के लिए, यानी कि ये कर्व जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चल रहे हैं और कुछ पैराबोला को जनरेट कर रहे हैं और यहाँ उसकी लिमिट्स हैं 0 0 से 1 2।
तो इसके लिए हमें इसका टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है, टोटल लाइन इंटीग्रेशन हमें शो करना है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले अब एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा कि ये वर्क डन का क्वेश्चन है, तो दो में से एक चीज़ आपको जरूर मिलेगी, या तो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर आपको दिया होगा, या फिर एक वर्ड लिखा होगा वर्क डन। दो में से एक चीज़ जरूर मिलेगी आपको, तभी आपको पता चलेगा कि आपको एफ डॉट डी आर का फार्मूला यहाँ यूज़ करना है। क्लियर है? तो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, तो एफ वेक्टर हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो हम लिख देते हैं। सबसे पहले हम इसको इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट गिवन एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू 3xy आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप, ये एफ वेक्टर की वैल्यू गिवन है। एंड वी नो दैट डी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, अभी मैंने बताया, डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के, देन एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये क्या हो गया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई डॉट आई वन, तो 3xy dx जे डॉट जे वन माइनस का वाई स्क्वायर डी वाई, और यहाँ k नहीं है इसका, तो जीरो k कैप है, k डॉट के वन और dz इंटू जीरो जीरो, तो यानी f डॉट डी आर वेक्टर जो बनेगा वो बनेगा 3xy dx माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। क्लियर है? और वैसे भी xy प्लेन में तो z तो जीरो ही होगा, अगर z जीरो होगा तो dz भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो f डॉट डी आर की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यूज को हमें गिवन इक्वेशन में हमें पुट करना है, यानी कि एफ डॉट डी आर के लिए। सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, इसको हम इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं। तो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर का इंटीग्रेशन है 3xy dx माइनस y स्क्वायर dy। अभी कर्व जो पैराबोला गिवन है वो c हमने शो कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट, हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें यहाँ लिमिट्स दी हुई है 0, 0 से 1, 2। 0, 0 से 1, 2 का मतलब ये होगा कि x की लिमिट 0 से 1 भी है। x की लिमिट्स क्या है, 0 से और y की लिमिट्स 1, फिर x की लिमिट 0 से y की लिमिट 2। हमें दो लिमिट्स गिवन है, 0 से 1 और 0 से 2। हमें करना क्या है, यहाँ पे हम दोनों में से कोई एक ही लिमिट्स अप्लाई करेंगे, चाहे तो 0 से 1 और चाहे तो 0 से 2, क्योंकि हमें यह इंटीग्रेशन एक ही दिया हुआ है। चाहे तो हम 0 से 1 अप्लाई करेंगे, चाहे 0 से 2 अप्लाई करेंगे। अब दोनों में से कौन सी लिमिट्स हमें फाइंड आउट करनी है, ये आपको चेक करना है कि आप दोनों में से कौन सी लिमिट्स लेके चलना चाह रहे हो, 0 से 1 या 0 से 2। अब अगर हम 0 से 1 की बात करें, लिमिट है 0 से 1, तब उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए हम मैंने कुछ पहले बोल दिया ऐसा कि x की और ये y की नहीं, x की लिमिट्स हैं 0 से 1 और y की लिमिट्स हैं 0 से 2, सिंपल सी बात है। यहाँ x दिया हुआ है x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 0 टू y इज इक्वल्स टू 2, ये दो लिमिट्स हमें गिवन है। लेकिन हमें यहाँ लिमिट a की लेके चलनी है, चाहे तो वो x की लिमिट लेके चलें चाहे वो y की लिमिट लेके चलें, क्योंकि हमारे पास सिंगल इंटीग्रेशन है, हम डबल इंटीग्रेशन नहीं है, ताकि जो कि हम 0 से 1 x भी ले लें और 0 से 2 y भी ले लें। अब आइए हम पर ये डिपेंड करता है कि हम किसके लिमिट्स लेके चलना चाह रहे हैं, ये आपके ऊपर है कि आप 0 से 1 लेके चलो x के लिए या y के लिए 0 से 2 लेकर चलो। अगर मैं x के लिए 0 से 1 लेकर के चलता हूँ, यानी कि मुझे मालूम है कि मैं इस कंप्लीट इंटीग्रेशन को x की लिमिट्स के ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, तो अगर x की लिमिट आप लेकर चल रहे हो 0 से 1, तो ये ध्यान रखना कि यहाँ y नहीं आना चाहिए। फिर अगर x की लिमिट्स आपने शो किए तो यहाँ y नहीं आना चाहिए, अगर y नहीं आना चाहिए तो y का क्या करेंगे हम, तो y को हम रिप्लेस करेंगे x की फॉर्म में, और कैसे रिप्लेस करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर है? अगर आप लिमिट x की लेके चलोगे तो यहाँ x की लिमिट लेके चलोगे जो x के लिए ऑपरेट होगी, y के लिए होगी नहीं, तो फिर y क्यों, और y का मतलब इसका मतलब ये नहीं कि y जीरो कर दोगे, फिर आपको करना क्या होगा, विद द गिवन इक्वेशन, विद द हेल्प ऑफ द गिवन इक्वेशन यू हैव टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ y
इन एक्स, यानी वाई की वैल्यू को एक्स की फॉर्म में आपको फिर रिड्यूस करना होगा। क्लियर है? तो मैं यहां लेकर चल रहा हूं लिमिट ऑफ एक्स, लिख देंगे हम ताकि पता रहे कि हम किसकी लिमिट लेकर चल रहे हैं। लिमिट ऑफ एक्स, एक्स वेरीज फ्रॉम एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू वन, ऑल्सो गिवन क्या y की वैल्यू की x की फॉर्म में क्या गिवन है, 2x स्क्वायर गिवन है, तो जहां पे भी y आएगा वहां 2x स्क्वायर भी हम पुट कर देंगे, और dy क्या हो जाएगा 4x dx। तो जितने भी y और dy है सबको x और dx की फॉर्म में हम रिप्लेस कर देंगे। जब सारे x और dx की फॉर्म में आ गए तो x की लिमिट्स इजीली उसमें ऑपरेट हो सकती है, हम वहां x की लिमिट 0 से 1 पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो देखिए कैसे, जब ये सभी वैल्यूज इस इक्वेशन नंबर टू में पुट करेंगे तो क्या होगा, 3xy दैट मीन्स 2x स्क्वायर, ये dx भी आएगा, लेकिन यहां dy को भी जब मैं रिप्लेस करूंगा तो ये भी dx आ जाएगा, तो दोनों का dx लास्ट में कॉमन ले लूंगा। ठीक है, फिर माइनस का y स्क्वायर दैट मीन्स 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, dy वाई दैट मीन्स 4x dx, 4x और dx दोनों टर्म्स में से कॉमन है तो उसको मैंने कॉमन ले लिया, ये dx और dy के साथ भी जो dx आएगा उसको कॉमन ले लिया। उसके बाद बात करते हैं लिमिट की, तो सारे x की फॉर्म आ गई तो लिमिट x की 0 से 1 ये आ जाएगी। क्लियर है? जो भी y है उसको 2x square से रिप्लेस कर दिया और dy को 4x dx से रिप्लेस कर दिया, कंप्लीट इक्वेशन को x की फॉर्म में रिड्यूस कर दिया, तो हम लिमिट 0 से 1 x की शो कर सकते हैं। अगर आप y की लिमिट शो करते हो 0 से 2 तो सभी x को y की फॉर्म में आपको रिड्यूस करना होगा, आंसर सेम आएगा। तो यहां पे हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, 0 से 1 6 एक्स क्यूब माइनस 4, 2 टू जा 4 यानी स्क्वायर है, 4 4 जा 16, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 एंड x x की पावर 5 dx, 6x क्यूब माइनस 16x की पावर 5, नाउ इंटीग्रेटिंग तो कितना हुआ 6 बाय 4 x की पावर 4 माइनस 16 बाय 6 x की पावर 5, लिमिट 0 टू 1 दैट इज 6 बाय 4 माइनस 16 बाय 6 या फिर 3 बाय 2 माइनस 8 बाय 3, एलसीएम आ जाएगा 6 9 माइनस 16 या ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 7 बाय 6, माइनस का 7 बाय 6। और हमें ये मालूम है कि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, वर्क डन कहां से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, और हमें ये भी मालूम है कि जब हम वर्क फाइंड करें किसी भी चीज का तो वर्क कभी भी नेगेटिव नहीं होता, सो द आंसर विल बी 7 बाय 6। क्लियर है? यहां लिख देंगे वर्क डन बी ऑलवेज इन पॉजिटिव। तो ये इसका सिंपल सा आंसर है, सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर है सभी को? तो फिर से मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं, एफ डॉट डी आर फाइंड करना है, एफ वेक्टर क्वेश्चन में गिवन होगा, डी आर हमें मालूम है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया ये आ गया। अब अगर लिमिट्स गिवन है तो वैसे ही बहुत इजी होगा क्वेश्चन हमारे लिए, क्योंकि लिमिट्स अगर गिवन है, अब उसमें से आपको डिसाइड करना है कि एक्स की लिमिट्स आपको शो करनी है कि वाई की लिमिट्स। अगर एक्स की लिमिट आप शो करोगे तो जितने भी वाई है उसको एक्स की फॉर्म में रिड्यूस करना विद द हेल्प ऑफ गिवन इक्वेशन, अगर वाई की लिमिट्स आप शो करोगे जो जितने भी एक्स हैं उसको वाई की फॉर्म में रिड्यूस करना होगा, यानी जो भी एक्स होगा। अब देखिए x मैंने y की लिमिट्स का नहीं लगाने का एक रीजन और भी था, क्या, क्योंकि जब x को y में चेंज करता तो कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट आ जाता, क्योंकि जहां पे भी x होगा उसकी जगह यहां हमारे पास तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है y बाई टू, तो x की वैल्यू कितनी होती है रूट ऑफ y बाई टू, तो रूट का इंटीग्रेशन थोड़ा सा टिपिकल रहता है और उसमें मिस्टेक होने के चांस भी रहते हैं, इसलिए मैंने y में चेंज नहीं करने की जगह x में चेंज कर दिया ताकि स्क्वायर रूट्स में हम प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। उसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन, लिमिट्स पुट की, आंसर क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट एफ डॉट डी आर, फिर से एफ डॉट डी आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, वेयर एफ वेक्टर, एफ वेक्टर हमें पास गिवन है एक्स वाई आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप प्लस जेड एक्स के कैप एंड सी
इज द कर्व, यानी जो कर्व है सी की वैल्यू, जो यहाँ सी है वो एक कर्व गिवन है हमें। कर्व भी कैसा, किस फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में, एक्स वाई जेड के साथ टी आ रहा है, तो क्या मतलब हुआ, पैरामेट्रिक फॉर्म। एक्स की वैल्यू टी, वाई की जगह टी स्क्वायर, जेड की जगह टी क्यूब, और टी की हमें लिमिट्स गिवन है, जो टी है वो वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, नेगेटिव वन टू वन। सो सिंपल सी चीज़ है, एक्स वाई जेड कार्टिजन फॉर्म में इक्वेशन हमें गिवन है, और उसको जब वो कह रहा है कि कर्व की फॉर्म में, जब वो हमसे इक्वेशन दे रहा है हमें, वो दे रहा है पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो हमें भी क्या करना होगा, सभी एक्स वाई जेड को पैरामेट्रिक की फॉर्म में चेंज करना होगा, और जब सभी टी की फॉर्म में चेंज हो जाएंगी तो उस इंटीग्रेशन की लिमिट्स हम जो है वो यूज़ करेंगे नेगेटिव वन से वन। तो चलिए सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है एफ डॉट डी आर की वैल्यू। सो गिवन एफ वैक्टर इज इक्वल टू एक्स वाई आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप प्लस जेड एक्स के कैप, ये वैल्यू हमें गिवन है, एंड वी नो दैट डी आर वैक्टर इक्वल टू डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। देन एफ डॉट डी आर वैक्टर इज इक्वल टू दोनों का डॉट प्रोडक्ट एक्स वाई डी एक्स वाई जेड डी वाई एंड जेड एक्स डी जेड, ये हमारे पास आ गए। अब देखिए करना क्या है, क्वेश्चन में हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू गिवन है, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या गिवन है लिख देते हैं हम यहाँ, ये भी आल्सो गिवन, आल्सो गिवन, क्या चीज गिवन है, एक्स इक्वल्स टू टी, वाई इज इक्वल्स टू टी स्क्वेयर एंड जेड इक्वल्स टू टी क्यूब, ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर दूँ तीनों का, तो डी एक्स इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, डी टी के, डी वाई हो जाएगा टू टी डी टी के लिए, और डी जेड हो जाएगा थ्री टी स्क्वेयर डी टी के इक्वल होगा। अगर एक्स वाई जेड ये है जो गिवन है, तो उन सभी का डिफ्रेंशिएशन ये होगा, टी स्क्वेयर का टू टी, टी क्यूब का थ्री टी स्क्वेयर डी टी और टी का डी टी। अब ये सभी वैल्यू जितने भी है, ये थ्री एंड थ्री सिक्स वैल्यूज, ये सभी वैल्यूज इक्वेशन नंबर वन में हम पुट कर देते हैं। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो जब फर्स्ट और सेकंड हम जब पुट करेंगे, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स वाई, एक्स वाई टी इंटू टी स्क्वेयर टी क्यूब, फिर डी एक्स, डी एक्स कितना है डी टी है, तो डी टी सब में आएगा, लास्ट में डी टी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। फिर प्लस वाई जेड, वाई जेड टी स्क्वेयर इंटू टी क्यूब टी की पावर फाइव, और फिर क्या है डी वाई, डी वाई कितना है टू टी डी टी, डी टी तो कॉमन है तो टू टी, फिर प्लस जेड एक्स, जेड एक्स टी क्यूब एंड टी, टी की पावर फोर, और साथ में क्या है डी जेड, डी जेड का मतलब थ्री टी स्क्वेयर, और तीनों में से जो डी टी आ रहा है उसको मैंने यहां शो कर दिया। अब देखिए इंटीग्रेशन की सभी वैल्यूज किस फॉर्म में आ गई, टी की फॉर्म में आ गई, और टी की अगर फॉर्म में कोई इंटीग्रेशन हमें गिवन है, तो जाहिर सी बात है लिमिट्स भी जो है वो टी की ही पुट होगी, और जो कि हमें गिवन है आल्सो गिवन, क्या टी वेरिंग फ्रॉम, वेरीज फ्रॉम नेगेटिव वन टू वन, तो हम यहाँ लगा देंगे। पर लिखोगे आप लोग आल्सो गिवन लिमिट्स ऑफ टी, टी वेरी फ्रॉम या टी वेरीज फ्रॉम नेगेटिव वन टू वन, तो यहाँ उसकी लिमिट्स हमारी शो हो गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, नेगेटिव वन से वन के लिए जो आएगा वो हमारा आंसर है फाइनल। तो ये है नेगेटिव वन से वन, सबसे पहले टी क्यूब प्लस का टू टी की पावर सिक्स प्लस थ्री टी की पावर सिक्स डी टी, नेक्स्ट में नेगेटिव वन से वन टी क्यूब प्लस फाइव टी की पावर सिक्स डी टी, इंटीग्रेशन कर देते हैं टी की पावर फोर अपॉन फोर प्लस फाइव अपॉन सेवन टी की पावर सेवन, लिमिट नेगेटिव वन टू वन। टी की पावर फोर अपॉन फोर यानी जब वन पुट करेंगे तो वन बाय फोर माइनस प्लस, यहां वन पुट किया तो फाइव बाय सेवन माइनस लोअर लिमिट, नेगेटिव वन का पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिव लोअर लिमिट वन बाय फोर, और यहां वन पुट किया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव
5 बाय 7, तो ये कितना हो गया 10 बाय 7। तो ये इसका आंसर 1 बाय 4 से 1 बाय 4 कैंसिल आउट हो गया, 5 बाय 7 प्लस 5 बाय 7 10 बाय 7। तो ये सिंपल क्वेश्चन, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स, वर्क डन बाय फोर्स का जो जरूरी था, हालांकि इसमें क्वेश्चन एग्जाम में आए ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये बेसिक्स हैं, तो ये बेसिक्स जब क्लियर होंगे तभी हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर पाएंगे वर्क डन के। तो ये बेसिक्स हैं, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं मुझे, कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है, और कोशिश रहेगी मैं आपको रिप्लाई करूँ जल्दी से जल्द, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट जो हम वीडियो करेंगे, नेक्स्ट वीडियोज़ में जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो कुछ अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, लेकिन बेस्ड होगा यही। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो बने रहिएगा इसी तरह से इस यूट्यूब वीडियो के साथ, इस यूट्यूब चैनल के साथ। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।